इस जैन सभा में विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी नागरिकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं वेदों को साक्षी मानकर भिन्न भिन्न स्नातकों से प्रश्न करना प्रारंभ करता हूं। नाम? लक्ष्मीकांत। धर्म और अर्थ का स्रोत क्या है? धर्म और अर्थ का स्रोत राज्य है। दूसरों से अधिक राजा को किस पर विजय पाना आवश्यक है? दूसरों से ज्यादा राजा को इंद्रियों पर विजय पाना आवश्यक है। क्या मैं इंद्रिय जय नहीं हूं? उत्तर दो ब्राह्मण, क्या है किसी में साहस मेरे प्रश्न का उत्तर देने का? नाम? नरेंद्र। आचार्य? तक्षशिला का गुरुकुल। लगता है सबसे बड़ा शत्रु कौन? अहंकार। निर्धन का धन क्या है? विद्या। सबसे बड़ा वीर कौन? दानवीर। जो सब कुछ लुटा दे वो दानवीर, और जो लूट रहा है वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? चोरों व राजपुरुषों से। सुख का मूल क्या है? सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल क्या है? अर्थ है। अर्थ का मूल राज्य है। राज्य का मूल इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय का मूल क्या है? विनय है। साधु साधु। विनय का मूल क्या है? वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किस में है? प्रजा की हित में। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा? हाँ। क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है? सामर्थ्य ही शास्त्र को जीवित रखता है, मूर्ख। बोलो, तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति क्या है? एक वेतन भोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं। तो मैं यहां बैठे लोगों का सेवक हूं। उत्तर दे मूर्ख। तो अब इसकी बारी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले तू भी इन सटों के साथ मिलकर धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन जान है धनानंद। यदि मेरे जान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में जान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूँ कि जान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूँ। निकालो इस ब्राह्मण को यहाँ से।